कैसी लगी बाइक अंकल ने? पक्की बात है अंकल को भी पसंद आ गया, और क्या लोगे? मतलब यार ठीक है भाई कुल मिलाकर। अब ये बाइक 2024 में आपको क्यों बाय करनी चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके कंपटीशन में जो होंडा की CB350 है उसके कंपटीशन में यजदी की है, और एक हो रहा पता नहीं कौन सी है, वो ट्रंप वालों की ट्रंप 400, ठीक है ना। क्यों इसको बाय करना चाहिए उसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलाने में अच्छी है, पिकअप अच्छा है। कई बार क्या होता है भाई, हल्की बाइक होती है ना, ट्रक साइड में चला जाता है तो पूरी बाइक को हिला देता है, तो इसमें वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लंबी राइड कर सकते हो, लद्दाख जाओ, पहाड़ों में जाओ, बाइक में कहीं भी कोई कमी नहीं है। चलाने में अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लो मेंटेनेंस है, और 10,000 रुपये इसकी सर्विस होती है। सर्विस कॉस्ट आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम इसकी जो सर्विस है 2,000 रुपये की है। 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होगी, और वो जो मैक्सिमम जो है वो 2,000 रुपये की होगी आपकी सर्विस सेंटर में। ये बाहर कराओगे तो 1500 के आसपास भी हो सकती है, ठीक है ना। ये मैं आपको सर्विस सेंटर की आपको बता रहा हूँ। डुअल चैनल ABS में ही आपको देखने को मिलती है, 350 cc का एयर कूल इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, और टॉप स्पीड इसकी अच्छी खासी चली जाती है, 130-140 की स्पीड में ये भाग जाती है। बाकी मैंने इतनी तेज अभी तक नहीं चलाई, ठीक है। प्लास्टिक के 2-3 पार्ट आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक तो फ्रंट का मुडगार्ड है, ये प्लास्टिक का है, ये पूरा पैनल प्लास्टिक का है, पिछला मुडगार्ड प्लास्टिक का है, और पिछला जो जहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह लगी है वो भी जो है प्लास्टिक का रहने वाला है। 3-4 जो पार्ट है इसमें प्लास्टिक के हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो थे पुराने मॉडल में ये मेटल के आते थे, लेकिन इस मॉडल में आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और ये जो ये पार्ट भी हेडलाइट, ये लाइट के पीछे का, ये भी प्लास्टिक में है, ठीक है ना। और चैन कवर ये प्लास्टिक का है, कुछ पार्ट इसमें प्लास्टिक के यूज़ कर रखे हैं, क्योंकि जो पुराने वाले मॉडल थे ये जो मुरगाड है उन पर रंग जंग आ जाता था, रस्टिंग पकड़ लेते थे, तो इसीलिए कंपनी ने देखते हुए इसमें प्लास्टिक के जो पार्ट है वो यूज़ किए गए हैं। 180 किलो के आसपास इसका वज़न है, अगर टैंक फुल करा देते तो लगभग एक्सेसरी लगवाने के बाद जो इसका वेट है वो 250 किलो के आसपास हो जाता है। बाकी ओवरऑल मेरे को तो बाइक अच्छी लगी है। बात करें एवरेज की, मेन मुद्दा जो है एवरेज का है। सिटी में मेरे को, मैं अभी लोकल में चलाता हूँ इसको, सिटी में आसपास में 2-4-5 किलोमीटर चलाया, ये एक्सेसरी लगवाई थी विंडशील्ड, ये मेरे को 2500 रुपये की पड़ी थी, लेग गार्ड 3500 रुपये का, ये जो इंजन गार्ड है ये 3500 रुपये का, ये जो प्लेट है ये 4000 रुपये की, ठीक है ना। पार्ट जो है वो बड़े महंगे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। तो बाइक को इसी तरीके से रखना प्यार से, ऐसा ना हो भाई गिराए रखो, तोड़ो फोड़ो रखो, तो पार्ट जो है इसके बड़े महंगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है दोस्त अच्छे होंगे। पीछे खड़ी अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर 350, इसको बाय किए हुए मेरे को 6 महीने हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब होने वाले और 10-15 दिन में, और 5000 किलोमीटर के आसपास मैंने इस बाइक को चला लिया है, तो अच्छा खासा जो मेरे को इस बाइक का एक्सपीरियंस हो गया है। और 2024 में अगर इस बाइक को आप बाय करना चाहते हो, किन बातों को ध्यान में रखते हुए 2024 में इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि इसके कंपटीशन में होंडा की भी आ गई है, और भाई 2-3 कंपनी की HD वगैरह की भी आ गई है इतने प्राइस रेंज में, तो क्या ये 2 लाख रुपए के आसपास इस पे स्पेंड करना ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। चलो सीधा मैं बैक कैमरे से आपसे मिलता हूँ। देखो जी, ये खड़ी अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर 350, इसके आप लुक्स देखो, लुक्स में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा भाई मज़ा नहीं आया या कोई दिक्कत है या कोई कमी है। ये मैंने हल्का सा ग्राफिक्स लगवा रखा है, जो नए सब्सक्राइबर है, जो नए व्यूवर्स है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी पूरी बाइक स्टॉक है, और जितनी भी एक्सेसरी लगी है इसमें सारी ओरिजिनल जो है रॉयल इनफील्ड की लगी है, आफ्टर मार्केट की इसमें कुछ भी नहीं है, एक नट भी इसमें आफ्टर मार्केट का नहीं है। अब ये बाइक 2024 में आपको क्यों बाय करनी चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके कंपटीशन में जो होंडा की CB350 है उसके कंपटीशन में यजदी की है, और एक हो रहा पता नहीं कौन सी है, वो ट्रंप वालों की ट्रंप 400, ठीक है ना। क्यों इसको बाय करना चाहिए उसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात भाई रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड कंपनी दोस्तों नई नहीं है, और अपनी क्वालिटी के नाम से और जो इसका इंजन होता है, इंजन की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से ये जो कंपनी है मानी जाती है, और इसका जो लोहा जो इंडिया में है इसी के बदौलत है, इसका लोहा मजबूत है और सारी जो बाइक मजबूत है, 15-20 साल बहुत आसानी से चल जाती है। देखा होगा आपने पुराने जो मॉडल है 1980-80 के भी बंदे लोगों के घरों में खड़े हैं, जो शौकिया बंदे हैं
तो हैवी बाइक बनाते हैं, कुल मिलाने का कहने का मतलब यही है। अब होंडा की जो बाइक है दोस्तों अच्छी है, ये नहीं कहते भाई बेकार बाइक है, फीचर भी अच्छे है, इससे ज़्यादा फीचर है। लेकिन जो उन्होंने होंडा की जो CB350 है उसकी जो बुलेट की कॉपी कर रखी है, बिल्कुल एक साइड में आप बुलेट को खड़ा कर दो, एक साइड में उसको खड़ा कर दो, तो बंदे जो है बुलेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड है यार। और रॉयल इनफील्ड मतलब दोस्तों नाम नाम नहीं है, क्वालिटी भी आपको देते हैं। लुक्स वगैरह देखो, सारी चीज़ें कितनी अच्छी है। डुअल चैनल ABS में ही आपको देखने को मिलती है, 350cc का एयर कूल इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, और टॉप स्पीड इसकी अच्छी खासी है, चली जाती है 130-140 की स्पीड में ये भाग जाती है, बाकी मैंने इतनी तेज़ अभी तक नहीं चलाई। ठीक है, प्लास्टिक के दो तीन पार्ट आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक तो फ्रंट का मुडगार्ड है, ये प्लास्टिक का है, ये पूरा पैनल प्लास्टिक का है, पिछला मुडगार्ड प्लास्टिक का है, और पिछला जो जहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह लगी है वो भी जो है प्लास्टिक का रहने वाला है। तीन चार जो पार्ट इसमें प्लास्टिक के हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो थे पुराने मॉडल में ये मेटल कहते थे, लेकिन इस मॉडल में आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और ये जो ये पार्ट भी हेडलाइट, ये लाइट के पीछे का, ये भी प्लास्टिक में है, ठीक है ना। और चैन कवर ये प्लास्टिक का है, कुछ पार्ट इसमें प्लास्टिक के यूज़ कर रखे हैं, क्योंकि जो पुराने वाले मॉडल थे ये जो मुरगार्ड है उन पे रंग जंग आ जाता था, रस्टिंग पकड़ लेते थे, तो इसीलिए कंपनी ने देखते हुए इसमें प्लास्टिक के जो पार्ट है वो यूज़ किए गए हैं। पिछला मुरगार्ड भी प्लास्टिक का है, चलो अच्छी बात है भाई, पानी वानी में कीचड़ में जाएगी तो जंग नहीं पकड़ेगी, कहने का मतलब ये इसी को देखते हुए कंपनी ने प्लास्टिक के पार्ट बनाए हैं। और बात करें साइड के जो पार्ट ये वाले थे, देखो ये वाले, ये पहले बहुत बारे बारे लोहे के होते थे, तो कुछ टाइम के बाद उनमें जन 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 की आवाज़ आती थी, और जो पत्ती सी थी ना वो बोलती थी, तो इन्होंने बिल्कुल प्लास्टिक के बना दिए, और काफ़ी हैवी प्लास्टिक, ऐसा नहीं है भाई कोई हल्की प्लास्टिक है, ठीक है ना। 180 किलो के आसपास इसका वजन है, अगर टैंक फुल करा देते तो लगभग एसेसरी लगवाने के बाद जो इसका वेट है वो 250 किलो के आसपास हो जाता है। चलाने में अच्छी है, पिकअप अच्छा है, कई बार क्या होता है भाई हल्की बाइक होती है ना ट्रक साइड में चला जाता है तो पूरी बाइक को हिला देता है, तो इसमें वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लंबी राइड कर सकते हो, लद्दाख जाओ, पहाड़ों में जाओ, बाइक में कहीं भी कोई कमी नहीं है, चलाने में अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लो मेंटेनेंस है, और 10,000 रुपये इसकी सर्विस होती है। सर्विस कॉस्ट आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम इसकी जो सर्विस है 2,000 रुपये की है, 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होगी, और वो जो मैक्सिमम जो है वो 2,000 रुपये की होगी आपकी सर्विस सेंटर में। ये बाहर कराओगे तो 1,500 के आसपास भी हो सकती है, ठीक है ना, ये मैं आपको सर्विस सेंटर की आपको बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल मेरे को तो बाइक अच्छी लगी है। बात करें एवरेज की, मेन मुद्दा जो है एवरेज का है। सिटी में मेरे को, मैं अभी लोकल में चलाता हूँ इसको, सिटी में आसपास में 2-4-5 किलोमीटर चलाया तो 32 के अराउंड मेरे को ये अभी एवरेज दे रही है, 40-50-60-70 की स्पीड पे मेंटेन करता हूँ। तो रफ चलाते हैं तो जितना रफ चलाओगे उतनी जो एवरेज है वो ड्रिप हो जाएगी, ठीक है ना। सिटी में 31-32 आप मान सकते हो, अगर आप लंबे टूर पे जाओगे जैसे भाई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बैलेंस करके चलोगे 70-80 किलोमीटर की हिसाब से स्पीड को, तो ये 38 के आसपास जो है बाइक दे देती है। अब यार बुलेट भी चलाओगे 350cc की और 35 की एवरेज भी लोगे, उससे बढ़िया क्या लोगे, क्योंकि जो पुराने वाले मॉडल थे उनकी ऐसे 20-25 की एवरेज रहती थी, लेकिन इनकी 30 के आसपास है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें आ गया, कार्बोरेटर इसमें नहीं आता है, बाकी ओवरऑल जो बाइक है ज़बरदस्त है। 2024 में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ले सकते हो, बाकी भाई और भी आपके पास ऑप्शन है। कई बाइक क्या होते हैं भाई फीचर को देखते हैं, उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, हेडलाइट LED हेडलाइट ये वो, तो वो जा सकते हैं होंडा या ट्रम्प वगैरह पे। अगर आपको चाहिए भाई मेरे को नई बाइक लेनी है, देखो नई हमेशा लोग हर महीने नई बाइक नहीं लेता, लाइफ में एक बार लेता भाई, सोचता 10-12-15 साल चलाऊंगा, तो नई बाइक इसलिए ली जाती है, और सेकंड हैंड में सोचता भाई चलो हार्ड टाइट चल रहा है सेकंड हैंड ले लेते हैं, जब अच्छा सा काम होगा 2 रुपये आ जाएगी पास तो नहीं ले लेगी, ठीक है ना। नई आदमी इसलिए लेता, कहने का मतलब ये है 10 साल लेके मान के चलता अपने दिमाग में 10-12 साल मेरे को बाइक चलानी है, ठीक है ना, तो 10-12 साल आराम से चल जाएगी अगर आप प्यार से चलाओगे तो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बढ़िया बाइक है और इतना ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, या एवरेज भी इतनी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही आपको मार देगी, पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं पीती, 60-70-80 की स्पीड पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जितना रफ चलाओगे उतना ही आपको रफ चला देगी ये बाइक, ऐसी बाइक है दोस्तों। बाकी ओवरऑल मेरे को तो भाई अच्छा लगा, सारे स्टैंड सब ठीक है, इसके एसेसरी मैंने लगवाई थी आपको बता देता हूँ, ये एसेसरी लगवाई थी विंडशील्ड, ये मेरे को 2500 रुपये की पड़ी थी, लेग गार्ड 3500 रुपये का, ये जो इंजन गार्ड है ये 3500 रुपये का, ये जो प्लेट है ये 4000 रुपये की, ठीक है ना।
पार्ट जो है वो बड़े महंगे है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। तो बाइक को इसी तरीके से रखना प्यार से, ऐसा ना हो भाई गिराए रखो तोड़ो फोड़ो रखो, तो पार्ट जो है इसके बड़े महंगे है। तो ये सब चीज़ें मैंने एसेसरी में इसकी लगवाई थी, 3-4 एसेसरी लगवाई थी, उसी में 15-16 हज़ार रुपये मेरे लग गए थे इसमें, ठीक है ना दोस्तों। ओवरऑल बाइक जो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी में रोडी में जो है ना बाइक जैसे फिसलने का डर रहता है ना, तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कई बार क्या होता है इमरजेंसी ब्रेक भी मारने पड़ते हैं तो बाइक एकदम रिपटती नहीं है, आराम आराम से रुक जाती है जाके, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जैसे कि एसेसरी मैंने इधर ये लगवाई थी, ये 500 रुपये की लगी थी पत्ती, ठीक है ना। ओवरऑल जो बाइक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में अच्छी दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा भाई अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो 350 cc में जाने की, तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। लुक भी ठीक है यार, कहने का मतलब ये है इतनी बेकार भी नहीं है कि वो बेकार के बंदे, हाँ बंदे कहते हैं भाई कौन सी बाइक है अच्छी लगती है, खड़ी होने में भी चलाने में भी बढ़िया बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है। कैसी लगी बाइक अंकल ने? पक्की बात है अंकल को भी पसंद आ गया, और क्या लोगे, मतलब यार ठीक है भाई। कुल मिला के इसमें देखो लाइट के ये फीचर, ये जो नए स्विच आए हैं, ये अपना बाइक को स्टार्ट करने का ऐसे स्टार्ट होती है, ये चारों इंडिकेटर दिलाने का है, वो लो बीम हाई बीम का पासिंग का है, इंडिकेटर हॉर्न है, और ये मैंने इसमें एक रिले लगवा रखी इंडिकेटर वाली, और जो हेडलाइट है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच इसमें है, ठीक है ना। ओवरऑल जो बाइक दोस्तों ये थी, सीट कंफर्टेबल है, बाकी 3 बंदों के लिए जो इसकी सीट नहीं है, अगर आप 3 बंदे सोचो मैं इस पर बैठ के जाऊँगा तो 3 बंदों के लिए बिल्कुल भी सीट नहीं है। अगर 3 बंदे बिल्कुल पतले पतले हैं वो तो इस पर आराम से आ जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे। अगर 50-60 की स्पीड पर चलाओगे ना, तीसरा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको डर रहेगा, थोड़ा सा झटका लगा और तू नीचे आया, ठीक है ना। 2 बंदों की बाइक है, जो सीट है इसकी 2 बंदों की है, अगर एक सीट आती है इसमें सॉरी बेंच सीट के नाम से आती है, वो 4500 रुपये की है रॉयल इनफील्ड वालों की, उस पर 3 बंदे आ जाएंगे। जो एक कर्व है ना उसमें एक कर्व नहीं है, पूरी की पूरी एक लंबी सीट है, वो 5000 रुपये की, अगर आप 3-4 बंदे चलाते हो बैठ के तो वो सीट आप लगवा सकते हो। ओवरऑल मेरे हिसाब से तो बाइक अच्छी है भाई, 5-6 महीने मैंने चलाई है, 5000 किलोमीटर के आसपास मैंने चला दी, देखो आपको दिखाता हूँ। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखें, बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।